नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर दोस्तों। ये इंसान ने बताया कि देवा को मारने में भी शामिल था, मगर मैं फिर पीछे हट गया दोस्तों। और इसमें सब बताएगा कौन कौन ने मारा देवाई को। इस इंसान को सब मत पता है दोस्तों, ये भी शामिल था उसमें, मगर ये बाद में हट चुका था। आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए दोस्तों, उस आदमी ने क्या बोली देख लीजिए। और ये चोर मेरे सामने है, किसने मारा उसको, किसने मारा, मैंने देखा उसको, उसको सजा दो। अभी भी नवनीत शर्मा बाहर घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? अभी भी नवनीत शर्मा बाहर ही है और मेरे को मारने की धमकी फुल पा लेगा। ये वही इंसान है जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। क्षमा के साथ हूँ भैया। भैया बताओ कि क्या कुछ हुआ था? देवा भाई हमारे हैं, हम देव भाई के भाई हूँ। हम जाति समाज के आपसे निवेदन करता हूँ, आप उनको सभी साथ दो, सब भाई और हम भी दे रहे हूँ। भैया उस दिन क्या हुआ था, पूरी बात बताओ, क्या देखा था आपने, क्या देखा था? देखो मेरे को वो लेकर आया था, एक गांव से एक टीम में भी लगा लाया था, दो जाट था और एक बेरू था, एक अरुण था उसका बेटा और एक सांवरा था, जवान दोस्त था, एक बंजारा था बंजारा। अपना इसका गर्मी का जवान दोस्त था, ये सब चल रहा। मेरे को बेटा के लेकर आया, बहुत सा आदमी था, 30 आदमी था वो, और उसने किया पार्टी करेंगे। मन भी चलो भैया, वो मेरे को डूंगर में ले गया, वो पार्टी बने, दारू मंगवाया, दारू पिया और वहाँ बोली भाई देवा भाई को खत्म कर दो। मैं एक साइड बैठ गया, भेरू ने बोला, वो सांवरिया ने बोला, सांवरिया को भेरू ने बोला और कालू ने बोला। नवनीत से बात हुई थी, वो उनका भाई भी था, वही पीछे, और वो पिया भी था, एक मुसलमान था, पिया भी था। उन्हें की भाई ऐसा है कि थोड़ी ठंडी करो आपको और उसको आने दो। वो फिर वहां से जीप चलाई, उन्हें रोटी वोटी खा के उन्हें पी आने के यार थोड़ी ठंडी करो आपको। फिर के यार भाई साहब से बात हुई थी, क्या के यार हुई थी, हुई थी तो यार फोन लगाओ जी। फिर भाई साहब को फोन लगाया था, नवनीत शर्मा गया, नवनीत शर्मा ने कहा कदम घटो बैठ के नहीं हो। वो चोर है या जी है? अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? ये ताली बजाने का समय नहीं है, पेशाई की वाले खड़े रही है। नवनीत शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करें, इस सीबीआई से पहले उसको जेल में डाले नवनीत शर्मा को। ये ताली बजाने का समय नहीं है। सभी लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा, बोरावास में भोजन की व्यवस्था की है समाज की और देवाजी की तरफ से, सब लोग बोरावास चले और कल सब लोग राउत बाटा में आए। अभी राउत बाटा चलना है, बेगू और राउत बाटा चित्तौड़ बाकी है, अभी तो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे 2023 तक।